आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जॉयसी और हमारा आज का वचन है मत्ती की पुस्तक 9वां अध्याय। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए या यह कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया और देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिता कर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्टात्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ ने अचंभा कर कहा, इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है।
यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भीड़ के समान जिनका कोई रखवाला न हो व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे।